रोज़मर्रे की ज़िंदगी में रोज़मर्रे की चीज़ें जो जो होती हैं, और देव का खुरापाती दिमाग को उसके तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, इट्स अ फिक्शन शो, और किस तरह से वो ये सब उलझुल चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाता है, और किस तरह से वो हल ढूंढता है, किस तरह से कौन कल्प्रिट है उसको किस तरह से उनको धर दबोचता है। एक तो वो हो गया उसका काम, दूसरा जिस घर में रहता है ज़ोहरा आपा के घर में रहता है, और बाकी जो और हैं मीरा है पूजा है, इनकी रोज़मर्रे की ज़िंदगी में खाना भी खाते हैं चाय भी पीते हैं, घर गंदा रहे तो उसकी सफाई में भी ज़ोहरा आपा शी इज़ द हेड, वो चिल्लम चिल्ली करके उनको नाराज़ भी होती है। मतलब आपके घर में भी ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे और आप उस उन कैरेक्टर्स से आप आइडेंटिफाई भी करेंगे अपने आप को, ये सबसे बढ़िया है। ये नॉर्मल सास बहू से थोड़ा अलग हटके शो है, और इंतज़ार रहेगा कि अगली कहानी क्या है। एक जो चंक की स्टोरी जो दो दिन है जो भी है उसमें कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगली कहानी, फिर अगली कहानी, फिर अगली कहानी, तो देखते रहिए, अच्छा लगेगा आपको, देखा जाए शो बहुत अच्छा है, चैनल बहुत अच्छा है। ये स्ट्रिक्ट जो है ना पल में माशा पल में तोला है, कभी तो स्ट्रिक्ट है और कभी बिल्कुल। अब उसके आप सोचिए भला, आपके घर में किराएदार है ठीक है ना महिला, उसी से चलता है उसका घर वर चलता है, अच्छे खाती पीती है सब कुछ है, और 3 महीने से घर का किराया नहीं दिया, नाराज नहीं होगी क्या? घर से निकाल भी नहीं सकती क्योंकि देव को इतना चाहती है, अपने छोटे भाई बच्चे की तरह स्नेह करती है, वो भी आपा आपा बोलता है, और उसको पता है ज़रा आपा किस चीज़ में खुश होगी नहीं होगी, तो वो मैनेज भी कर ले तो उसको लगता है हाँ हाँ, फिर लगता है अरे ये तो मुझे शांत करने की, अरे ये तो लगता है उसको, तो इसीलिए ज़ोहरा आपा जो है पल में माशा पल में तोला कैरेक्टर है। देव के साथ बहुत कैमराडरी है, वाई हम लोग एज एक्टर्स जब हम सेट पे जाते हैं बहुत मज़ा आता है काम करके।